दोस्तों ये है एलसी मशीन, ठीक है दोस्तों, ये भी एलसी मशीन है, ये ख़राब हो चुकी है, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। अब इसको इसके स्पेस पे लगाया गया। ये एलसी मशीन का काम क्या होता है, ये जो हाइड्रोलिक पावर पैक सब होती है ना दोस्तों, इसके अंदर जो ऑयल का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक ऑयल का जो यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों को पता है दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, मतलब उसमें मॉइस्चर आने लगता है, ठीक है। वो मॉइस्चर आने से क्या होता है, उसका थिकनेस भी कम हो जाती है और धीरे धीरे उसका जो कलर होता है येलो से हल्का हल्का ब्लू होने लगता है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें मॉइस्चर का जो लेवल है वो बढ़ गया उस हाइड्रोलिक ऑयल में, तो उसको क्या करना होगा, हमें फिल्टर करना होगा। तो इसको एलसी मशीन या फिर फिल्टर मशीन कहा जाता है हाइड्रोलिक का, ठीक है। ये एक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट रहता है, जहाँ से ये ऑयल यहाँ तक आता है पंप होके, और दूसरा इसका डिलीवर सिस्टम होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो पाइप आप देख सकते हो सिस्टम में लगा हुआ, एक डिस्चार्ज का है और एक डिलीवर का है, ठीक है। ये फिल्टर होकर डिलीवर हो गया यहाँ से जो देख रहे हो, और नीचे जो मोटर के पास है ये डिस्चार्ज जो ऑयल है वो पंप करके इसको लेकर आ रहा है। और ये देखिए, ये रहा डिलीवर पंप जो ऊपर डिलीवर हो रहा है, और नीचे जो है ऑयल गैस से ये नीचे से आ रहा है, मतलब डिस्चार्ज होकर इस पंप में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सिस्टम काम करता है, ये दोस्तों इसका भी जो है दोस्तों, ये सब पावर पैक में काम आता है, क्योंकि जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ होता है, हाइड्रोलिक ऑयल धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने लगता है, तब इसको फिल्टर को लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों।